अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम और ये इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी बहुत गर्मी आ चुकी है और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं देखची में डाल रही हूँ 1 कप दूध। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी जब तक कि ये हाफ़ हो जाए और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में हाफ़ क्वांटिटी हो जाएगी इसकी। यहाँ पे दूध आधा हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने एवरीडे लिया था। दूध डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी 2 टेबल स्पून। हम इतना मीठा ज़्यादा पसंद करते तो इसलिए मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल दीजिएगा। चीनी डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ पिस्ता बादाम और इलायची का पाउडर। इन सबको डालकर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा बॉल लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ बर्फ। बर्फ़ वाला बॉल आप बड़ा ही लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं एक और बॉल रख रही हूँ, इसमें हम क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम मैंने जो है वो 2 पैकेट लिए थे ऑलपर्स की। आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप व्हिपिंग क्रीम ही लें। सबसे पहले मैं क्रीम को लो स्पीड पे बीट करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और क्रीम को आप 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से पहले। लो स्पीड पे बीट करने के बाद अब मैं इसको मीडियम पे बीट करूँगी। मीडियम पे भी मैं इसको 2 से 3 मिनट ही करूँगी। और अब आखिर में 2 से 3 मिनट में इसको हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फॉर्म जैसी हो गई है और हमें यही चाहिए। क्रीम अगर जो आपकी अच्छे से बीट की हुई होगी तो वो सॉफ्ट जमेगी। मैंने क्रीम को बीट करते टाइम बीच में इसमें वनीला एसेंस डाल दिया था 1 टेबल स्पून और आप ये बात जहन में रखें कि इसको ज़्यादा बीट नहीं करना क्योंकि हम इसको अगर ओवर बीट कर देंगे तो ये फिर मक्खन हो जाएगा। क्रीम हमारी यहाँ पे रेडी है और अब मैं जो हमने कुल्फ़ा मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। कुल्फ़ा मिक्सचर को इसमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको जो है वो एक बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी बॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये एक मिथ है कि जो है हम अगर ये एयर टाइट में नहीं करेंगे तो ये जमेगी नहीं और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी ये वो फला फला। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी 6 से 7 घंटे के लिए। छः से सात घंटे यहाँ पे हो चुके हैं और अब मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सॉफ्ट जमी है आइसक्रीम। और अब मैं इसके स्लाइसेस करके इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।